पहला ऐसा बजट है जो भारतीय जनता, गरीब जनता, नागरिकों के भले के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए और हर वर्ग के लिए ये जो बजट आया है ये बहुत अच्छा बजट है। और ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो टैक्स में रिबेट दी गई है, तो 5 लाख जो सीधा ही 2.5 लाख से ऊपर डबल कर दिया गया, ये बहुत पुरानी मांग थी लोगों की। ख़ास तौर पर जो टैक्स के बीच दबते हैं लोग, सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और किसानों के लिए तो ये सोने का सुहागा है। किसान जो जिनकी उपज, सर अभी जो बहुत साल के बाद इतना अच्छा बजट बनाया है ये मोदी सरकार ने, और बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं, बहुत अच्छी स्कीमें भी हैं उसके। जैसे किसानों के लिए है 6,000 रुपये पर मंथ, वो बोल रहे हैं कि उनको 2 एकड़ ज़मीन के नीचे जो होगा उनको वो देंगे। और जो मेन है मध्यम वर्ग, जो मीडियम लोग हैं, गरीब हमारे जैसे लोग हैं, जो पहले 2.5 लाख था बजट, मतलब कि जो टैक्स था, इनकम था, अब वो बढ़ा के उन्होंने 5 लाख दे दिया है। उससे आम जो मीडियम लोग हैं उनको बहुत राहत मिलेगी। बहुत अच्छा बजट है। हम लोग बोलते हैं कि इनको अप्रिशिएट करना चाहिए मोदी सरकार को, और हम अपने सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि दोबारा इनको मोदी सरकार को देख, तो आने वाले 5 साल में ये और देश की तरक्की कर सके और आम जो गरीब आदमी है उनका ये भला कर सके। धन्यवाद। हमारी उम्र भी इस वक्त 60 साल होने को जा रही है, तो हिस्ट्री में हिंदुस्तान की बात करें हम तो, ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा बजट अपने नरेंद्र भाई मोदी जी ने लोगों के हित को देखते हुए लाया है। और ये पहली बार है, पहले भी बजट पेश होते थे, कईयों के लोगों के ऊपर मुस्कुराहट होती थी चेहरे पे, कईयों के चेहरे पे उदासीनता होती थी। आज पहली बार हम देख रहे हैं, कल से लेकर अभी तक हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट है, और अब ये चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी को दोबारा से मौका दिया जाए, जो कमी पेशी है वो आगे जो टर्म होगी उसमें उसको पूरी करेंगे। और उन्होंने जो अपना इनकम टैक्स का रखा है 5 लाख तक छूट दी है, और जो प्रॉपर्टी खरीदने के ऊपर छूट दी है, किसानों को छूट दी है, छोटे कारोबारियों से लेकर बड़े कारोबारियों को हित में रखते हुए ये बजट पेश हुआ है, जिसकी हम सराहना करते हैं। ऐसा बजट जैसे ही हमने हर साल देखते हैं बजट, हर साल मैं बजट देखता हूँ, पढ़ता भी हूँ और टीवी में भी देखते हैं, लेकिन 10-20 साल हो गया ऐसा बजट नहीं मैंने देखा जो इस बार बजट आया। इसमें हर वर्ग का उन्होंने ध्यान रखा है, उसमें जिमीदारों का भी रखा है, किसानों का भी रखा हुआ है, जैसे पशुपालन के लिए भी रखा हुआ, हर तरह के लिए। जैसे कोई खासकर इसमें बहुत बढ़िया जो दिया है, इसमें जो हमारे लिबरल क्लासेस के थे ना, जो 60 साल के बाद काम में, उनको लिए 3,000 रुपया महीना बहुत है, जो आगे किसी ने दिया ही नहीं है। इसलिए मोदी साहब को मैं इसकी बधाई देना चाहता हूँ, मुबारक देना चाहता हूँ। ये जो बजट है कि मैं समझता हूँ कि ये बजट जो है सबसे बेहतरीन और काफ़ी अच्छा बजट पेश किया गया है, तो इससे पहले आज तक कोई भी बजट इस तरह पेश नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा खुशी तो इस वक्त किसानों की हो रही होगी, किसान काफ़ी खुश हो गए, क्योंकि इतनी देर से उनको ना तो कभी उनका कर माफ हुआ था, ना तो कभी उनको कभी बजट सही पैसे मिलते थे, उनकी जो ज़मीनें खर्च होती थी बेचारा, वो बारिश या कभी नुकसान जो होता वो पूरा नहीं होता। लेकिन ये जो मोदी सरकार ने जाते जाते इनको किसानों के लिए जो इतना कुछ किया कि मैं समझता हूँ कि किसानों को इस वक्त काफ़ी खुश होना चाहिए, और काफ़ी अच्छी हद तक इस वक्त मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस बारे में। मोदी जी ने वो समझदारी दिखाई है। देखिए हिंदुस्तान में क्या होता है, अगर रिलैक्सेशन 2.5 लाख 2 लाख की थी तो लोगों की रिटर्न मैक्सिमम 2.5 लाख की आती है, अगर 2.5 लाख हुआ तो लोगों की रिटर्न 3 लाख की। अब ये जो सीधा मोदी जी ने एक किस्म का 7.5 लाख रुपए तक बजट फ्री कर दिया, यानी कि आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, इतना खरबों रुपया जो ब्लैक का अभी भी देश के अंदर है वो सर्कुलेशन में आ जाएगा। ये एक इतना बढ़िया काम है देश के हित के लिए, जिन जो लोग समझ रखते हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, एक बेहतरीन बजट है।
और देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। For advertisements in Channel 1, please contact on 700-6444-869.